आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी पेज नंबर 22 एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास के जितने भी प्रश्न हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में बताया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है 5 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 5, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे। इस पहले सिंपल तरीके से लिखते हैं 5 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, फिर 2 प्लस अंडर रूट 5, इस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए हम इस नंबर से हम दोनों को करते हैं आइडेंटिटी। एक आप लोगों को पता होगा, जैसे ये लिखा a प्लस बी, ठीक है, इधर लिख दिया c प्लस डी। ठीक है, तो ये नंबर जो है इसको भी मल्टीप्लाई करती है, ये नंबर इसको भी करती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं a इंटू सी, यानी ए सी लिख सकते हो। ठीक है, तो ए सी हो गया, फिर प्लस था तो a और d हो जाएगा, तो प्लस तुम्हारा ए डी भी हो जाएगा। अब b वाला इसको भी करेगा, अब b वाला इसको भी करेगा, तो हो जाएगा प्लस बी सी प्लस बी और डी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर भी देखना है, इससे इसको करना है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो ए प्लस में है तो फिर से हो गया, तो 5 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा। फिर ये इसको करेगा, अब ये नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई करेगी, तो इसमें लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 7, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5, ये हो जाएगा। नंबर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जो हो गया 10। ठीक है, तो इधर यही नंबर हमारी रहेगी, 5 अंडर रूट 5 रहेगा। ये नंबर हमारी ऐसे ही रहेगी, 2 अंडर रूट 7, ये आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अलग अलग हैं, रूट में हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को बता दें, प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा है, क्या लिखा है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है अंडर रूट ए बी बन जाता है, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, और यहाँ पर 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर पहले वाले का इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, 5 प्लस जैसा लिखा है वैसा ही हम पहले नंबर पर लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगला टर्म है 5 अंडर रूट 5, इसको लिख लिया हमने। देखेंगे यहाँ पर फिर वैसे ही सेम टू सेम है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से इसको भी करेंगे, तो 5 इंटू 5, स्टेप स्टेप सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो 5 इंटू अंडर रूट 5 बनेगा ये। ठीक है, अब इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये बन जाएगा आपका 5 अंडर रूट 5। अब ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों कैसे आ जाएंगे, माइनस में, तो 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ये बनेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 5 अंडर रूट 5 बन जाएगा, ये प्लस में है 5 अंडर रूट 5। ठीक है, ये सेम है तो सेम है, तो ये माइनस में ही रहेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस ये आपस में जाएंगे कट, क्योंकि ये माइनस में 5 अंडर रूट 5 है, ये प्लस में है, तो सेम है, तो ये टर्म गए कट। ठीक है, तो 25 माइनस 5 यहाँ पर बचा क्या है हमारा, देखेंगे 25 माइनस 5 बचा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो कुल मिलाकर इसका आंसर 20 आएगा इस तरीके से। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया गया है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, और इसका स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था। ठीक है, तो ये होता था, हम उसी तरीके से इसको भी अरेंज कर लेंगे। तो पहला मान लेते हैं ये a है, ये b है, तो क्या बनेगा, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस प्लस वाला तो चल रहा है, तो 2 था फॉर्मूले का, अंडर रूट 3 इंटू बी हमारा कितना है, अंडर रूट 7, और प्लस अंडर रूट 7 का
स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी देखो यही यहाँ पर लग रही है। तो अंडर रूट और सेम नंबर होती है, दो बार होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट, जब थ्री को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, थ्री ही आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट हैं, जब डिफरेंट अलग अलग होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो टू। तो सेवन थ्री जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इधर आंसर कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। तो 7 इधर प्लस में, इधर भी प्लस में नंबर है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 10 प्लस, ठीक है, 2 अंडर रूट 21, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली आंसर हमारा इसका निकल चुका है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। अगला है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक संख्या प्लस में जा रही है, एक माइनस में जा रही है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब ओपन करते थे तो क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बनता था, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर लिखा हुआ, ये वाला, ठीक है, इधर वाला ये चीज़ लिखी हुई है। तो इस फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट कर लेना। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में हो, एक प्लस में दिया जाए एक माइनस में, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 11 का एक स्क्वायर कर देते, ए मान लेते बी मान लेते हैं, माइनस लगा देंगे और अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, कर दिए स्क्वायर। अब अंडर रूट 11 वही करेंगे, अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट, जब 11 होगा तो आंसर कितना आएगा, 11 ही आ जाएगा। इधर 7 है, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 का आंसर कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 11 माइनस 7, तो कुल मिलाकर इधर कितना हो गया, कितना हो गया, 4, ठीक है। हमारा आंसर देख सकते हैं निकल चुका है, बहुत ही सिंपल था। आइडेंटिटी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी अगर आती होंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे।